हेलो वाईटी फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस यहां पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाना था और आप लोगों की ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि यहां पर कई लोग BGMI के आने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में इंटर नहीं कर पाते हैं। जब भी वह ट्रेनिंग ग्राउंड में इंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो चेयर पार्क में पहुँच जाते हैं, उसके बाद उन्हें कैसे ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचना है वो लगभग नहीं पता होता। खासकर जो लोग बिगनर हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग BGMI आने के बाद ही ये खेलना शुरू करे हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि आप लोगों को जब गेम प्ले शुरू करना होता है अपना, उससे पहले आपको सेटिंग, सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी होती है कि आपका स्कोप कितना चल रहा है, कितने में किस सेंसिटिविटी में अच्छी तरह से काम करता है। तो इसके लिए इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपकी लॉबी में सेलेक्ट मोड का ऑप्शन दिया है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेनिंग ऑप्शंस दिख रहा है। इस ट्रेनिंग में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग सीधे इंटर हो जाएंगे चेयर पार्क में। अब चेयर पार्क को पहुंचने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन आपकी लोडिंग लेती है, ये लोडिंग लगभग आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड तक देखने को मिल सकती है। जैसे ही ये स्क्रीन लोड हो जाती है आप लोग चेयर पार्क में इंटर हो जाते हैं और चेयर पार्क में इंटर होने के बाद आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच सकते हैं। शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं है, आपको अगर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचना है तो आपको पहले चेयर पार्क जाना ही पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कैसे आप लोग पहुंचेंगे ट्रेनिंग ग्राउंड पे। सबसे पहले तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पर चेयर पार्क में। चेयर पार्क में पहुंचने के बाद अब हम लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करने के लिए सबसे पहले इस यहाँ से गाइज आप लोग जैसे इंटर करेंगे आपको यहाँ पर आगे जाना है और यहाँ पर सामने आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को AKM की स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, इसके पास में आप लोगों को जाना है। अब गाइज जैसे ही आप इसके पास आते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं इंटर करने का ट्रेनिंग ग्राउंड पर ऑप्शन आ जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है जहाँ पर दो गने क्रॉस कर रहे हैं, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से स्क्रीन लोडिंग होने लगती है और ये लोडिंग लगभग 10 से 15 सेकेंड चलेगी और ये स्क्रीन लोडिंग होने के बाद आप सीधे पहुंच जाएंगे ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहां पर आप लोग अपने मोबाइल की, अपने गेम की सेंसिटिविटी सेटिंग्स, अलग अलग स्कोप की सेंसिटिविटी वगैरह चेक कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको अलग अलग रेंज पर टारगेट दिए रहते हैं, आपको उन टारगेट को मारना होता है और अपने स्कोप की सेंसिटिविटी वगैरह सेट करनी होती है। यहाँ पर आपको सारे गन मिल जाएंगे। गन मिलने के बाद आप लोगों को आप साइड में देखेंगे तो आपके सारे अटैचमेंट दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग कोई भी अपनी अटैचमेंट जो आपको बेटर लगता है, जिसके द्वारा आप अच्छे से अच्छा रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको अटैचमेंट लगाने हैं। यहां पर आपको बैग, यहां पर सारे अटैचमेंट मिल जाएंगे, ये अटैचमेंट लगाने हैं आपको अपने सुविधा अनुसार, जो भी अटैचमेंट आपको अच्छे लगते हैं। अटैचमेंट लगाने के बाद यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको अलग अलग स्कोप मिल जाएंगे, 2x 3x, रेड डॉट, 6x 8x। तो सामने आपको यहां पर टारगेट दिए गए हैं जिनकी रेंज भी दी गई है कि कितने मीटर का यह है, उसी के अनुसार आप लोग यहां पर आगे अपना अपना सेंसिटिविटी सही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जायरो ऑन करा है और मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर मैं अपने जायरो सेंसिटिविटी ADS की परफेक्ट कर लूँ ताकि गेम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं भी जायरो ऑन किया हूँ अभी और कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ सीखने की। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब ट्रेनिंग ग्राउंड में आसानी से आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत अगर होती है तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और भी अगर कोई वीडियो अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, आप कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।